तो दोस्तों हम आ चुके हैं अमृतसर के साडा पिंड में। तो ये एक एथनिक विलेज सेटिंग है जहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोहरा है बहुत ज़्यादा, विजिबिलिटी बहुत कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़ा भी उसी चीज़ का है। और कोहरे की अगर हम बात करें तो इसको देख देख के ना कुछ चेल्सी के फ्यूचर का मुझे ख्याल आता है। मैंने इसीलिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि कोहरा जो होता है उसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है, आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आप हाईवे पे कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक लाइन होती है बीच में रोड की, उसको आपको फॉलो करते हुए चलाना होता है, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं किया और आप बहुत जल्दी निर्णय पे आ गए कि अच्छा मैं तो गाड़ी तेज़ निकाल लेता हूँ या मैं तेज़ भाग जाता हूँ या मैं सीधा चले जाता हूँ कोहरे में, तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का मुझे लगता है चेल्सी को प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। मुझे पता है कि ग्रैहम पॉटर को लेके बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं कि क्या वो सही मैनेजर हैं चेल्सी के लिए, मेंटालिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स मुझे भी थोड़ा सा असमंजस में डाल रहे हैं एज अ चेल्सी फ़ैन कि क्या जिस तरीके से हम अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट से ड्रॉ खेले हैं, क्या हमारी मेंटालिटी सही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने एटमॉस्फेयर से हमको अंडर प्रेशर पुट कर दिया, तो ये सारी एप्रीहेंशंस हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं। बट मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा जब हमारी दो तीन साइनिंग्स और हो जाए और थोड़ा सा एक बार सिस्टम सेट हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें जज करना चाहिए चीज़ों को। हाँ, चीज़ें ठीक नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कोहरा कोहरा दिख रहा है आगे, कुछ दिख नहीं रहा है। प्रोसेस को फॉलो कीजिए, वो जो रोड पे रेडियम स्ट्रिप दिखती है, जो वाइट लाइन दिखती है, जो ये पाथ है, इसको फॉलो कीजिए एंड मे बी जस्ट मे बी थिंग शायद बेटर हो जाए। तो छोटा सा थॉट आया था मेरे दिमाग में, सोचा आपसे शेयर करूँ। और पेशेंस रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेटर होंगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखें अपना एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।